हेलो गाइस, दिस इज़ अमन दुबे, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पौंडीचेरी। तो आज का ये जो व्लॉग है पौंडीचेरी टू पीछावरम और पीछावरम में बोट राइड, इसके पहले का भी आई होप आपने एपिसोड देखा है, मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद टू नेल्लोर, हैदराबाद सिटी, देन नेल्लोर टू चेन्नई होते हुए पौंडीचेरी आया। पौंडीचेरी का ब्लॉग भी अलग से है। तो ये जो हॉस्टल है मिकासा हॉस्टल, यहाँ पर मैं रुका था, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कोई भी आएगा महात्मा गांधी रोड पर, पौंडीचेरी में महात्मा गांधी रोड पे, वाइट टाउन के पीछे ही है, रॉक बीच बस इसके पीछे ही है। तो फिलहाल यहाँ से 70-75 किलोमीटर्स है पीछावरम। तो मैंने क्या किया है, मेरा बैग पैक है, मैंने यहाँ पे पैन नहीं किया है, मैंने पैन ही लिया है क्योंकि वापस से निकालना पड़ेगा। तो यह है मेरा सेटअप, मैंने राइडिंग जैकेट पीछे लगा दिया है, और यह रही मेरी बाइक, ऑल सेट, टॉप बॉक्स पूरा भर दिया मैंने। अब फटाफट बाइक पर बैठता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। चलो चलो बाय मिकासा, थैंक्स फॉर होस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। मजा आने वाला है पीछावरम में। स्टार्ट। तो अगर मैं अपना प्लान बताऊं तो मैं पौंडीचेरी से पीछावरम जा रहा हूं, और पीछावरम से मुझे चिदम्बरम टेम्पल भी सजेस्ट किया लोगों ने जाने के लिए, तो मैं वहां भी जाऊंगा। फिर वहां से मुझे रामेश्वरम जाना है, रामेश्वरम वहां से ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर है। तो प्रॉब्लम अभी ये है कि 12:20 हो गए अभी निकलते निकलते, तो 2:30 बजे तक मैं पीछावरम पहुँचूंगा। फिर उसके बाद मैं बोट राइड के लिए जाऊँगा, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है करूँ कैसे, पहुँचूंगा फिर मेरे को कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा। पहले सोचा था रामेश्वरम निकल जाऊँगा वहीं स्टे करूँगा, बट अभी पॉसिबल नहीं है रामेश्वरम जाना, ऑलरेडी लेट हो गया, तो मुझे चिदम्बरम टेम्पल के आसपास ही स्टे देखना पड़ेगा और फिर कल मॉर्निंग में रामेश्वरम के लिए निकलना पड़ेगा। तो लेट्स सी कितने बजे पहुंचता हूं, बट आई होप अच्छा स्टे मिल जाए और बोट राइड में भी मजा आ जाए। मोस्टली बोट राइड करने का सबसे बेस्ट टाइम सब बोलते हैं 3 से 6 के बीच में, जब सनसेट होने का टाइम होता है। वन ऑफ द मेरा विशलिस्ट था मैंग्रोव फॉरेस्ट में बोट राइड करना, और आपका भी होगा, सबका होता है इतने ब्यूटीफुल जगह पे बोट राइड करना, और होना ही चाहिए विशलिस्ट में। तो आज कम्प्लीट होगा। ये अभी मैं आ गया मंजका पम ऐसा करके जगह है, ऑन द वे टू पीछावरम। थोड़ा प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। मार्केट में देख रहा हूँ क्राउड एंड ऑल बहुत है, ये इसलिए कल पोंगल है, तो साउथ का वन ऑफ द ग्रेट एंड मेन फेस्टिवल। अब थोड़ा ग्रीनरी दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बस एक ही चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, धूप एकदम ऊपर है जो यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है। अभी मैं यहाँ पे रुक गया, यहाँ से और 33 किलोमीटर है पीछावरम, टाइम हो गया 1:15, बट जाते जाते मैंने अचानक से सोचा मुझे पीछावरम जाना है, फिर चिदम्बरम भी जाना है टेंपल में, फिर वहाँ से रामेश्वरम, तो मैंने सोचा पीछावरम जाऊँगा। इतना बड़ा लगेज है मेरे पास, तो इसको रखूँगा किधर बोट राइड करते टाइम, ये फिर रखने का तकलीफ होगा। तो मैं सोच रहा हूँ इन्हीं में चिदम्बरम जाना ही है, तो यहाँ से मैं चिदम्बरम अभी चलता हूँ और वहाँ पर रूम ले कर रूम बुक करता हूँ, और ये सब बैगेज एंड ऑल सब रख देता हूँ। फिर वहाँ से पीछावरम ज़्यादा नहीं, 13-14 किलोमीटर है, 12-14 किलोमीटर ही है, तो मेरे पास तो बाइक है, तो मैं फटाफट वहाँ चले जाऊँगा। तब तक 3 बज भी जाएगा, सनसेट का टाइम हो जाएगा, तो बोट राइड करने बहुत मज़ा आएगा और व्यू भी वहाँ पर बहुत अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से चिदम्बरम जाता हूँ, फटाफट रूम बुक करके लगेज रख के फिर पीछावरम निकलता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो ऑलमोस्ट पहुंच गया मैं, 1 किलोमीटर यहाँ से 900 मीटर कुछ है चिदम्बरम टेम्पल, यहाँ पे स्टे देखना पड़ेगा। आप ये रहा सामने चिदम्बरम टेम्पल, ये नहीं भाई तू जल्दी जा, ये टेम्पल, ये रॉयल प्लाजा, ये होटल है, इसमें देखता हूँ एक बार, पूछता हूँ स्टे का, और तो कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, वॉट इज़ द कॉस्ट सर? हिंदी आता? थोड़ा आता है ना, मैं देख लेता हूँ रूम। चलो रूम देख लेते हैं, काका खड़े हैं, अच्छा लग रहा है, फोटो बहुत बढ़िया आएगा। ओके ऑलराइट, अभी मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने फुल कपड़े पहने हैं, फुल टी शर्ट पहन लिया और पैंट शूज़ वगैरह, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटोज बहुत होते हैं, मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, तो काटे नहीं, इसके लिए फुल बॉडी को कवर करके वहाँ पे जाना चाहिए, तो फुल बॉडी को कवर करके जा रहा हूँ। और यहाँ है किले रेलवे स्टेशन पीछावरम में, अगर किसी को आना है तो भाई किले रेलवे स्टेशन पे आओ और यहाँ से पीछावरम का मज़ा उठाओ, सिर्फ यहाँ से 8 किलोमीटर्स है।
एंट्री टू पीछावरम 2020 देयर इज एटीएम इनसाइड नो ओके वाओ क्या ब्यूटीफुल है क्या ब्यूटीफुल लव यू इंडिया लव यू तमिलनाडु क्या जगह है किसी को भी प्यार हो जाए यार जगह से अभी यहाँ से 1 किलोमीटर पे है बस तो ये सेंटर में पहुँच गया पीछावरम टूरिज्म सेंटर ओके काका बोले इधर पार्किंग लगाऊं इन ओके ठीक है तो बोट बुकिंग काउंटर अपने को रो बोट चाहिए ओपन बोट जो रहता है मोटर नहीं चाहिए सब 4% 1 hour 400 6% 1 hour 600 1 किलोमीटर डिस्टेंस पहले टिकट लेता हूँ सर यू कमिंग ओके चलो बैठ गए व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस मैक्सिमम 3 or 4 feet 3-4 feet दैट्स इट जॉइन टू बे ऑफ बंगाल सी वाटर कम इनसाइड द रिवर सी वाटर ओके सो दिस इज सॉल्टी ओके इन द रेनी सीजन इट इज गुड वाटर इन रेनी सीजन व्हाट इज गुड वाटर इज गुड ओके कलर ऑफ द वाटर So tide not affecting this? Tide is not coming here. Okay. Here from 6 kilometer away. 6 kilometer away. Tide. Okay. So क्योंकि salty है पानी तो crocodile and all यहाँ पे नहीं आते और सिर्फ fox और water dogs है जो भी mangroves में बोल रहे कि summer में भी ये सूखा नहीं पड़ता है यहाँ पे wet ही रहता है हमेशा. You are giving good information. Oh. Oh, oh. ओके विंड एरिया बाप रे दिस विल नॉट सिंक ना दैट इज नो वेट इन द बोट ओके सर यू नो हिंदी नो ओनली इंग्लिश एंड तमिल इट इज सुनामी फोर्स आल्सो सुनामी फोर्स ओके सो इससे क्या होता है इसके रूट्स जो हैं ब्रांचेस जो हैं इनके जड़ ब्रांचेस की टहनियाँ जो नीचे आई हैं तो पेड़ को सपोर्ट कर रही हैं खड़ी रहने के लिए और सुनामी वगैरह भी आता है तो ये इससे उसका वेव जो है उसका फोर्स जो है रिड्यूस हो जाता है तो जब यहाँ पे सुनामी आया था तो अफेक्ट नहीं हुआ था विलेजेस ड्यू टू दिस तो पानी का लेवल यहाँ पे 4 फीट है और फिलहाल लो टाइड का टाइम है ब्यूटीफुल वेरी नाइस बट पहली बार आने का जो यहाँ पे जो मज़ा मिल रहा है ना कसम से जन्नत वाली फीलिंग आ रही है ये कहाँ गए हम ब्यूटीफुल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये रात में आ नहीं सकते 5:30 के बाद लास्ट अलाउड नहीं है 5:30 इज द लास्ट टाइम हैव यू एवर विटनेस्ड एनी फॉक्स और घोस्ट हियर फॉक्सेस ओके सो दे आर नॉट हार्मिंग एनी ह्यूमन What if 3-4 foxes come here and they won't? It is not coming. In the evening time after 6 o'clock. ये काफ़ी deep है काफ़ी dense है ये थोड़ा So ये बोल रहे हैं कि अभी यहाँ का जो अंदर का लैंड एरिया है वो वेट है मतलब दलदल टाइप है पैर अंदर घुस जाएगा पूरा आप अगर गए तो अंदर पूरा अटक जाओगे समर में कभी कभी सूख थोड़ा जाता है जब तो पीपल गो एंड वॉक वहाँ पे जाके थोड़ा वॉक करते हैं अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है तो ये पूरा दलदल एरिया है यहाँ पे गए तो समझो अंदर सीधा पानी में तो निकल भी लेंगे दलदल में तो निकल भी नहीं पाएंगे और मैंग्रोव के एक पत्ते को हमने तोड़ लिया है वाओ दिस इज़ सो नाइस अब आएगा मज़ा फाइनली
पूरा राउंड मार के हम आ गए वहाँ से। फाइनली अभी लैंड होने वाले हैं। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो राइड हो गई ख़त्म, मैंने एक घंटे की राइड ली थी। टोटल राइड का जो कॉस्ट था वो था 400 रुपीज़ एक घंटे एक किलोमीटर के लिए। इसके अलावा मैंने एक 150 रुपीज़ कैमरे का दिया, और अंदर थोड़ा डीप में जाने के लिए जो बोटमैन था उसको मैंने 500 दिया, उसने कुछ मांगा नहीं था, वेरी इनोसेंट पर्सन। चलो अभी फटाफट राइड स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से होटल, देन फ्रेश होके टेम्पल जाना है, चिदम्बरम टेम्पल, और फिर देखता हूँ कहाँ जाना है। चिदम्बरम में ही आज रुकूँगा, फिर कल निकलूँगा रामेश्वरम के लिए। आई होप आपको पिचावरम का इन्फॉर्मेशन और वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं यहाँ से वापस चिदम्बरम जा रहा हूँ, तो ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये व्लॉग। सो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, शेयर कर देना, सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ वॉच नेक्स्ट एपिसोड एज़ वेल। थैंक यू।